आज हमारी पहली बैठक जिला स्तर की कार्यकारिणी की बैठक थी। उद्देश्य है कि पार्टी को और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और बूथ स्तर पर, और पार्टी और सरकार के बीच में समन्वय कैसे रहे ताकि सरकार का की काम अच्छे से हो सके। सरकार जो काम अच्छे काम कर रही है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, वो जनता तक पहुंचाया जाए और साथ ही साथ पार्टी के लोग मजबूत हों। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात स्पष्ट कर दी है कि जातीय जनगणना पर हमारी जो सोच है स्पष्ट है, हम उसके पक्षधर हैं और ये बात उन्होंने कही है सबके सामने और पार्टी उनका समर्थन करती है। देखिए, हमारा चार पार्टी का संगठन, ये बात सही है, उससे सरकार चल रही है, लेकिन जनता दल यू सही विपक्ष के सभी पार्टियों का डिमांड है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो उसका मान लीजिए कि हमारे जितने लोकसभा के सदस्य हैं, भाजपा के जो हमारे अमित शाह जी हैं, उनसे भी मिलकर अपनी बातों को रखा है, पत्रचार किया है, दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से भी सभी विपक्षी साथियों के द्वारा, माने जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनसे भी मिलने का वक्त मांगा गया है, पत्रचार भी करेंगे, उनसे मिलेंगे भी कि बिहार में जातीय जनगणना कराई जाए ताकि समझ में आए कि किन जाति की क्या तादाद है, उसे आगे काम करने में सहूलियत मिलेगी। देखिए, उनका बात है कि गलत जाएगा कि सही जाएगा, हमारे पार्टी का स्टैंड है कि जातीय जनगणना होना अनिवार्य है, इसलिए जनता दल यू परिवार उसके पक्ष में। कि सरकार चलाने में, जातीय जनगणना के डिमांड से सरकार चलाने में कहीं किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है, सरकार चलेगा, हमारा डिमांड है प्रधानमंत्री जी से। तो उसमें डिमांड को लेकर राज्य सरकार के माध्यम से पार्टी के तरफ से मतलब दिया गया, लेकिन सरकार उसको मानने के तैयार नहीं है। अरे अभी कैसे, मैंने ना कहाँ कह दिया है, मान लीजिए नीचे लोग क्या बोल रहे हैं उसका हम लोग महत्व नहीं देते। हमारे मान लीजिए कि भारत सरकार से डिमांड है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, भारत सरकार में जो संवैधानिक पद पर जो बैठे हुए लोग हैं वो नहीं तो नहीं कहे ना, अभी तो